Today I am going to teach you about the oxygen, its method of preparation, physical properties, chemical properties and its uses. तो सबसे पहले हम लोग देखें ऑक्सीजन के बारे में इंट्रोडक्शन. ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है. ये जो पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो पी पाई ओवरलैपिंग इसमें होती है. ये क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड. यही है. दूसरा एक चीज़ हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है. इसके बाद ये देखने में लगता है कि डाई मैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन ये रियल में होता है पारा मैग्नेटिक इन नेचर. इसलिए होता है क्योंकि अगर हम लोग इसका जो मॉलिकुलर और वाइटल डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में. इसीलिए ये क्या होता है? पारा मैग्नेटिक इन नेचर होता है. इसको इस तरह से हम दिखला भी सकते हैं कि सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px, पाई 2py, ये टू. फिर क्या होगा? पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1, यही होता है. मतलब यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दो, इसके चलते ये क्या होता है? पारा मैग्नेटिक. यही कारण है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. काउंट भी कर सकते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 16, 12, 2, 14, 2, 16. तो दो आइटम ऑक्सीजन होता है एक मॉलिक्यूल में, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 16. उसी के आधार पर हम लोग ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. तो हम लोग क्या देखें कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण O2 क्या होता है? पारामैग्नेटिक नेचर का होता है. अब हम लोग आगे बढ़िए. अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग ये देखते हैं कि वैसा मेटल्स जो कि बहुत कम रिएक्टिव होता है, मतलब वे बहुत कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है, उसके ऑक्साइड जब डिकम्पोज करते हैं तो क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं. तो क्या लिखते हैं कि बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. जैसे मान लीजिए Ag2O है, ये जब डिकम्पोज करेगा तो क्या बनाएगा? ट्वाइस Ag+O2. यहाँ तो कि दो ऑक्सीजन थे, हम लोग फोर कर दें, यहाँ पर फोर कर दें, ये ऑक्सीजन बन गया. इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं 2HgO तो क्या देखेंगे? ट्वाइस Ag+O2, ये भी हो गया. तो हम लोग क्या देखें कि वैसा मेटल जिसके रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, मतलब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही नेचर होते हैं, उसके ऑक्साइड के डिकम्पोजिशन से क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है. दो में हम लोग क्या देखें कि वैसा मेटल जिसके पास ऑक्साइड के रूप में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब हायर ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स, वो भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं ऑन आफ्टर डिकम्पोजिशन. टू ये क्या हो गया? 2Pb3O4 ये जब डिकम्पोज करता है तो क्या बनाएगा? 6PbO+O2. यहाँ क्या हो गया? 6, यहाँ 2. इसी तरह से
अगर हम लोग देखें ट्वाइस PbO2 ईवी डिकम्पोज करेगा तो ये क्या बनाता है, ट्वाइस PbO प्लस O2। मतलब ये देखिए कि ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल इन क्या होगा, हायर ऑक्साइड्स के डिकम्पोजिशन के द्वारा, यहाँ पर दे देते हैं, डिकम्पोजिशन के द्वारा ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद हम लोग देख लें थर्ड में लाइव मेथड, लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में जब हम लोग पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनता है, ये लाइव मेथड कहलाता है। द KCLO3 तो ये क्या हो जाएगा, KCl प्लस O2, यहाँ हम लोग 2 कर दें तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया। इसको हम लोग लेबोरेटरी मेथड करते हैं और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट के रूप में डिकम्पोज करके ये ऑक्सीजन देता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये लाइव मेथड है, मतलब बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एज कैटलिस्ट गिव्स क्या, ऑक्सीजन। और फोर्थ में अगर H2O2 का भी डिकम्पोजिशन होता है MnO2 के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो H2O प्लस O2 देता है, यहाँ 2, यहाँ हो गया क्या 2, ये ऑक्सीजन दे दिया। कहने का मतलब होता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के जब डिकम्पोजिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड एट कैटलिस्ट, तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। फिफ्थ में बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं H2O का इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलीज और मिनरल एसिड, तो क्या देगा, ऑक्सीजन देता है H2O। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस तो क्या बनेगा, H2 प्लस O2 बनता है। सिक्स्थ में हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज करके ऑक्सीजन देता है, जैसे ट्वाइस KMnO4, ये पोटेशियम पर मैग्नेट हो गया, जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, K2MnO4, क्या बनेगा, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, ये देख लीजिए, ट्वाइस KMnO4, K2MnO4 का फॉर्मेशन होता है प्लस MnO2 प्लस O2। मतलब जब हम लोग KMnO4 को हीट करते हैं तो आफ्टर डिकम्पोजिशन ये K2MnO4 MnO2 प्लस ऑक्सीजन देता है। इसी तरह से KNO3 को हम लोग जब डिकम्पोज करेंगे तो KNO2 प्लस O2 देगा, ट्वाइस ट्वाइस ये ऑक्सीजन देता है। इसके बाद ट्वाइस BaO2 भी आफ्टर डिकम्पोजिशन के द्वारा क्या देता है, ये ऑक्सीजन ही देगा, मतलब ट्वाइस BaO प्लस O2 देता है। आगे हम लोग बढ़े सेवेंथ में, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो ये भी क्या देता है, ऑक्सीजन ही देता है। जैसे 4K2Cr2O7 को जब हम लोग हीट करेंगे तो 4K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2, ये देख लीजिए, ये 4K2CrO4 बनता है प्लस
यहाँ बैलेंस कर देना है ट्वाइस Cr2O3 प्लस 3O2 का फॉर्मेशन, मतलब हम लोग जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी डिकम्पोजिशन से हमारा ऑक्सीजन बनता है। अब हम लोग आगे बढ़े इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये तो हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन ये देख लीजिए, सबसे पहले ये क्या होता है, इट इज कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस एट रूम टेम्परेचर, ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। सेकेंड में हम लोग क्या देखते हैं कि ये इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में बहुत कम होती है, मतलब इट इज सॉल्युबल इन बीन वाटर इन द क्या होगा 3.08 cc इन 100 cc ऑफ वाटर, मतलब इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में 3.08 cc 100 cc में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है, यही इसका सॉल्युबिलिटी का स्ट्रेंथ है। थर्ड में आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है ओ 16 ओ ओ 17 एंड ओ 18 होता है, 8 8 8, मतलब ये होते हैं क्या ऑक्सीजन के आइसोटोप्स। फोर्थ में हम लोग क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन इज पारामैग्नेटिक इन नेचर, जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मतलब O2 इज पारा मैग्नेटिक इन नेचर, यही होता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग आगे बढ़े इसका केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर कि किस तरह से ये केमिकली रिएक्टिव होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले इसकी जो रिएक्टिविटी होती है नोबल मेटल के साथ ना के बराबर, मतलब उसके साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, उसी तरह से ये इनर्ट गैस के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, मतलब इट इज अनरिएक्टिव टुवर्ड्स नोबल मेटल्स लाइक क्या प्लैटिनम गोल्ड इटीसी एंड इनर्ट गैसेस फैला हो गया। सेकेंड में हम लोग क्या देखते हैं चूंकि बोन डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू इसका ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या होता है ये कम रिएक्टिव होता है। अगर हम लोग को किसी के साथ रिएक्शन कराना होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। ड्यू टू हायर वैल्यू ऑफ बोन डिसोसिएशन एनर्जी O2 is less reactive. आइए higher bond dissociation energy का क्या कारण होता है, ये double bond के कारण ऐसा होता है। अगर ये कम reactive है तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा गर्म कर देते हैं।
गर्म करने के बाद ये रिएक्टिव हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़े हैं थर्ड में, रिएक्टिव मेटल्स, जैसे अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अब हम लोग क्या देखें कि अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ, मतलब सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, Na2O का फॉर्मेशन करता है, ये ट्वाइस यहाँ फोर। इसी तरह से कैल्शियम के साथ ही रिएक्शन करके क्या बनाता है, CaO बनाता है। यही होता है रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये सोडियम के साथ सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। फोर्थ में जहां हम लोग को गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आयरन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, Fe2O3 का फॉर्मेशन करता है, या Fe3O4 का भी ये फॉर्मेशन करता है। तो Fe2O3 हम लोग पहले देख लें, ये होगा 3O2। हीट करना पड़ता है इसके लिए कि जब हम लोग आयरन को ऑक्सीजन के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, Fe2O3। इसी तरह से एल्युमिनियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा एट हायर टेम्परेचर तो Al2O3 का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ 4 यहाँ 3। तो हम लोग क्या देखें कि लेस रिएक्टिव मेटल के साथ अगर हम लोग को रिएक्शन कराना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट करेंगे, तब उसके साथ ये रिएक्शन में भाग लेता है। फिफ्थ में रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, जैसे हम लोग कहते हैं कि सल्फर ऑक्सीजन में जलकर क्या बनाता है, तो देख लीजिए सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2 का फॉर्मेशन क्या, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। इसीलिए फास्फोरस हवा में जलकर क्या बनाता है, P4O10 का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ 5 P4O10 का फॉर्मेशन करते गए। इसी तरह से कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हम लोग क्या देखें किस तरह से ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है। अब सिक्स्थ में देखिए ये कंपाउंड के साथ रिएक्शन किस तरह से करता है, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ कंपाउंड्स, जैसे मान लीजिए ZnS है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ZnO+ SO2 का फॉर्मेशन करेगा, ट्वाइस यहाँ 3O2, वहाँ यहाँ भी 2 कर सकते हैं, बैलेंस हुआ कि नहीं, 2 जिंक 2 सल्फर ऑक्सीजन 6, ठीक है बैलेंस्ड। मतलब जिंक सल्फाइड जब एयर में रिएक्शन करता है तो हम लोग क्या बनाता है, ये जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से CH4 जब मीथेन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनाता है, CO2+H2O, जो भी कार्बन का हाइड्राइड्स होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का फॉर्मेशन करेगा। हम लोग बैलेंस भी इसको कर सकते हैं, तो बैलेंस करने का क्या तरीका है, आप लोग जानते ही हैं, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 2 कर दिए, ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। मतलब मीथेन या इथेन भी इसी तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का फॉर्मेशन करेगा। मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन से वो हवा में जलकर, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O देता है, प्लस ये सारे क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट बाहर इवॉल्व होता है। अब देख लीजिए सेवेंथ में, जैसे मान लीजिए अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, पहले पढ़े भी हम लोग, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट,
मतलब ये कैटेलाइज्ड रिएक्शन होता है, ये NH3 प्लस O2 क्या बनाता है, NO प्लस H2O। ये हम लोग क्या, कितना NH3 होगा, 4 NH3, ये 5, यहाँ नाइट्रोजन 4, तो यहाँ 4, यहाँ क्या होगा, 6H2O हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं और टेम्परेचर होगा वो 500 केल्विन होगा। तो हम लोग क्या देखें, अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O का फॉर्मेशन करता है। इसके लिए हम लोग को प्लेटिनम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है और टेम्परेचर होगा वो 500 केल्विन होता है। आगे बढ़े हम लोग, इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 O2 के साथ रिएक्शन करके SO3 का फॉर्मेशन करेगा, ये भी क्या है, कैटलाइज्ड रिएक्शन। इसमें हम लोग टेम्परेचर को कितना रखते हैं, करीब करीब 700 केल्विन, और ये कैटलिस्ट होगा वो V2O5 वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड होता है। इसी तरह से HCl जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, H2O प्लस Cl2। अब बैलेंस हम लोग किस तरह से कर देंगे, यहाँ कितना है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ क्या है, सॉरी O2 है, यहाँ HCl है, यहाँ H2O, तो हम लोग 4 कर दें, हम यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस, क्लोरीन हमारा कितना है, यहाँ 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या देखें कि देखते हैं कि HCl जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ये इसमें भी टेम्परेचर 700 केल्विन हम लोग लिख सकते हैं, टेम्परेचर क्या होगा, 700 केल्विन, और ये क्या होगा, कैटलिस्ट होगा CuCl2, यहाँ 723 केल्विन, याद रखना है इसको, यही 700 केल्विन के आसपास ही होता है, 700 केल्विन इसमें, 723 केल्विन इसमें, 500 केल्विन। तो हम लोग क्या देखें कि ऑक्सीजन कैटलिस्ट के प्रेजेंस, मतलब ये सारे जो रिएक्शन है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी हुआ है वो कैटलाइज्ड रिएक्शन कहलाता है, मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये सारे रिएक्शन हुए हैं, और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग क्लोरीन के फॉर्मेशन में करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्मेशन में करते हैं, और इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन में करते हैं। अब हम लोग देख लें कि इसका यूजेस क्या है, रियल में हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसका एप्लीकेशन हम लोग देख लें, एप्लीकेशन और यूजेज ऑफ ऑक्सीजन, यूजेज ऑफ O2। तो सबसे पहला इसका क्या यूज है कि इसका जो फॉर्मेशन होता है, एक नंबर में हम लोग जो लिक्विड ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन, तो मिसाइल जो होता है, मिसाइल या रॉकेट के फ्यूल के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज फ्यूल ऑफ रॉकेट एंड मिसाइल। सेकेंड में हम लोग क्या देखते हैं कि ये नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में, नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन में, इन दी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड H2SO4 SO3 etc. इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। थर्ड में O18 जो ऑक्सीजन का आइसोटोप्स है, O18 इज यूज्ड एज ट्रेसर इन द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेसर के रूप में करते हैं, कौन सा आइसोटोप्स का, O18 का। फोर्थ में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं COS2, मतलब
इसको हम लोग वाटर गैस कहते हैं, इसके प्रोडक्शन में, इन द प्रोडक्शन ऑफ CO प्लस H2, जिसको हम लोग वाटर गैस के नाम से जानते हैं, इसमें इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ में विथ द डस्ट ऑफ कार्बन इट इज यूज्ड एज एक्सप्लोसिव। इन माइंस सबसे बड़ा इसका इस्तेमाल होता है हम लोग सांस लेने में, इसका ऑक्सीजन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहाँ, सांस लेने के रूप में, चाहे पौधा हो या हम लोग हों या पानी के अंदर जो भी एनिमल्स हो, सारे क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वहाँ इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस आज इतना ही हम लोग पढ़कर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का होगा वो ओजोन होगा। थैंक्स।